हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे शीतकालीन गृह कार्य का जो पेपर हमें मिला है उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमें किस कौन कौन सी डेट को करने हैं और किस किस दिन हमें क्या क्या करना है। ठीक है, ये पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट है हमारे पास। ठीक है, चलो तो देखते हैं। 29 दिसंबर को हमें क्या कार्य करना है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित क्रियाओं पर पोस्टर बनाइए तथा इस विषय से संबंधित 5 पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, पहाड़ी जो मैं बता दूं आपको बच्चों, पहाड़ों पे घर कुछ इस तरीके के होते हैं, बांस के इस तरीके के छोटे घर बने होते हैं और ज़्यादा लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है, पत्थर के घर वहाँ पर नहीं होते। ठीक है, चलो। और जो है वहाँ पे इस तरीके की सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। ठीक है, सीढ़ीदार ऐसे 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 छोटी छोटी, और चाय के बागान भी रहते हैं, जो भी चाय के बाग भी कहाँ मिलते हैं, पहाड़ों पे। ठीक है, इस तरीके। और जो फल हैं, बर्फीले क्षेत्रों में फल होते हैं, जैसे सेब की खेती भी की जाती है। और जो है तो गतिविधि तू है, पहाड़ी राज्यों के नाम की सूची बनाइए, उन राज्यों को भारत के मानचित्र पे भी दर्शाइए। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको 29 तारीख को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा जब मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या क्या रहेगा, कैसे क्या क्वेश्चन रहेंगे, ये हमें देख लेने हैं और पहले से तैयार हो जाना है कि ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ठीक है, और मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक मैप बनाऊंगा जिसे आप देखना, और मैं आपके लिए पहाड़ी क्षेत्र भी, जो भी राज्य है वो बनाऊंगा। क्या आप पहाड़ी राज्य में रहना चाहोगे, हाँ या नहीं, अपने उत्तर का समर्थन में कोई 2 तर्क दीजिए। तो यहाँ होगा कि हाँ मैं रहना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक तो ये लिख देंगे, एक अपने मन से लिख देंगे। ठीक है, 2 जनवरी 2021 का जो काम होगा, भूकंप आने पे आप क्या करोगे, इससे संबंधित एक पोस्टर बनाइए। ठीक है, एक पोस्टर हमें बनाना है, वो भी मैं आपको 1 तारीख को, 2 जनवरी को जब आपका काम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, भूकंप विषय पर एक कोलाज बनाइए, इसके लिए समाचार पत्रों की कटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, भूकंप पे हमको एक कोलाज बनाना है जिसमें बहुत सारे भूकंप के फोटोज होंगे। ठीक है, फोटो वो उनका एक कोलाज हमें बनाना है, या अपन हम इसको इंटरनेट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, भूकंप आने पे मानव जनित क्या कारण है। तो बच्चों मैं बता दूं, भूकंप किस से आते हैं, तो इंसान है, जब देखो पहाड़ों पर विस्फोट, ठीक है, विस्फोट करता है तो भूकंप आते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानों को गिरा देता है तो भूकंप के हिस्से आते हैं। और ठीक है, और मैं आपको डिटेल में बाद में, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको जब ये वर्कशीट का आंसर बनेंगे तब बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझाऊंगा हम पर्यावरण के मित्र कैसे बन सकते हैं। तो ये बताना है आपको, हम बहुत सारे पेड़ लगा के, ठीक है, चलिए। 6 जनवरी 2021 का क्या काम रहेगा, तो गतिविधि एक देख लेते हैं। नीचे दिए संवाद को ध्यान से पढ़िए तथा इन्हें अपनी आवाज में बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, मियां बलिस्ते ने कहा, सलाम भाई, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल जो चाहते हो वो पूछो। मियाँ बलिस्ते, ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों पे ये फूंक क्यों मारते हो। उसी से ठंडा उसी से गर्म इस अध्याय को पढ़िए तथा अध्याय का एक नया नाम सुझाइए। तो ये नया नाम आपको लिखना है, क्या हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं हवा का जादू। ठीक है, इस तरीके का एक सुझा सकते हैं नाम। हम कई कार्यों
में हवा का प्रयोग करते हैं, जितने संभव हो उतने कार्यों की सूची बनाइए और एक लिस्ट लिखिए। इस तरीके की एक लिस्ट आपको तैयार करनी है, ठीक है। नीचे 11 जनवरी 2021 का जो काम है वो देखना है। 5 दिनों के लिए 5 पृष्ठों की एक डायरी बनाइए। प्रत्येक पृष्ठ पर एक दिन का अनुभव लिखिए कि पिछले 5 दिनों में अपने घर में कार्यों में अपनी मम्मी की किस प्रकार सहायता की। इस तरीके का कार्य आपको बताने हैं। स्वस्थ और स्वच्छ भारत विषय पर एक पोस्टर आपको बनाना है, ठीक है। पोस्टर मतलब एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। ड्राइंग में साफ सफाई से संबंधित एक चीज़ हमें चित्र हमें बनाना है। प्रश्न नंबर 1, हमारी कक्षा में विद्यालयों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये बताएंगे कि जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सफाई के विषय में जागरूक कैसे बना सकते हैं ये भी हमें बताना है, ठीक है। 14 जनवरी को देखते हैं। अपने मनपसंद खिलाड़ी की तस्वीरों की सूचना एकत्रित कीजिए, उनके विषय में 5 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो मैंने आपके लिए यहाँ एक फ़ोटो लगाई है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये फ़ोटो किसकी है, इनका प्यार का नाम क्या है, ठीक है, इनका निकनेम क्या है, निकनेम, ठीक है, जिसे प्यार से सब आपको गोलू मोलू कहते हैं, इनका प्यार का नाम चीकू है, ठीक है। और ये भारतीय टीम के कप्तान भी हैं, के कप्तान, ठीक है। तो ये आपको इनका नाम मुझे बताना है क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इनका नाम हमें बताएं। और इनके बारे में जो भी डिटेल है मैं आपको उस दिन जब ये 14 जनवरी को वीडियो बनाऊंगा तो ये बताऊंगा, ठीक है। अब गतिविधि क्रमांक 2 है, आपने अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, अपने सपने वे लक्ष्य का चित्र बनाकर दर्शाइए, ठीक है, ये भी आपको बताना है। खेल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। खेल खेलने से दुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और मांसपेशियों का विकास होता है, ये लिख देना है। एक खिलाड़ी होने के लिए किन किन गुणों का हो वैसे महत्वपूर्ण है, तो ये वर्कशीट हमने एक बार सॉल्व की थी तो उसमें भी बताया था, ठीक है। चलो जिस दिन ये वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो उस दिन भी इसको बता देंगे, ठीक है। तो बच्चों जैसे भी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है इस चित्र में किसका नाम है, तो आप भी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जारेड़ा ऑनलाइन एजुकेशन को, ठीक है। क्या लिखना है, JAREDA जारेड़ा ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस। अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।